ये भाई साहब हमारी इस तारीख की लोकेशन है और इतना प्यारा व्यू सनसेट का। पूरी दुनिया ऐसे लग रहा है नजर आ रही है सामने, बिल्कुल सीधा 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 एंड तक जहां तक नजरें जा रही है वहां तक कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। 3000 की हाइट है पहाड़ की। अस्सलाम वालेकुम, मैं तलक के साथ आज तक का हूं। तो आज के कुछ सीन्स कैसे हैं, आज मैं जा रहा हूं एक इफ्तार पार्टी में। बड़े अच्छी शख्सियत ने इफ्तार पे बुलाया है, उनसे आपको बातें मिलवाते हैं। तो यही कि अभी हाईवे पर अपने करते हैं यहाँ से बैरियर टाउन के लिए और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं क्या क्या सीन थे, बैरियर टाउन की लोकेशन भी दिखाते हैं कि क्या 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 क्या, क्या मतलब नई अपडेट्स आई थी। चले मिलते हैं बैरियर टाउन। ये बैरियर टाउन में एंटर हो रहे हैं। लेकिन अभी अफ्तारी में बहुत टाइम है तो अभी यहाँ पे हम वीडियोज़ वगैरह शूट करेंगे और बैरियर टाउन को फुल एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या कुछ यहाँ पे नया बना है, क्या कुछ मतलब पुराना ही है और कुछ पार्क्स वगैरह भी यहाँ पर है। अगर हमें बगैर फैमिली के जाने दिया जाने देंगे। अगर बगैर फैमिली के हमें जाने दिया वहाँ पर तो हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो हमारी वीडियो में रहिएगा आगे तक, एंड तक वीडियो पूरी देखना ही, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आएंगी इंशाल्लाह। साजिद भाई, आप दुनिया में ट्रैवल करते रहते हैं, सही है, मुख्तलिफ कंट्रीज में करते हैं, तो आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपको लगा यार अब इस जगह पे दोबारा नहीं आऊंगा, क्या तो शेयर करें? भाई देखें, लास्ट एक दफा वन टाइम के लिए तो बेस्ट है अजरबैजान बाकू, लेकिन बाकू लोग बहुत जाते हैं, सही है। तो मैं एक दफा गया, उसके बाद मैंने बोला मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। क्यों, ऐसा क्या आपने वहां देखा? बस कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपका दिल नहीं करता कि आप बार बार जाएं। आपने एक दफा देखा बस, उसके बाद आप कहते हैं यार नहीं बस ना। हाँ बहुत खूबसूरत है, नो डाउट बाकू बहुत खूबसूरत है, कि आपकी सोच है, लेकिन एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ वेदर के हिसाब से शायद हम जिस मौसम में कहते थोड़ी वहां पे ठंड वगैरह थी, तो शायद इसके बाद से हम दोबारा वहां नहीं जा सकते। बाकी तो आपका दिल चाहता है कि बार बार जाए। कंबोडिया गए हम लोग, कंबोडिया वो भी बहुत अच्छा था, उसके बाद दोबारा हम वहां नहीं गए, सही है। तो इस तरह काफी चीजें होती है कि आपका भी दिल करेगा नहीं यार बस ये वन टाइम मैं देख लिया बहुत, मतलब। और काफी कंट्रीज ऐसी भी है कि आप कहते हो यार बार बार जाएं आप। जी अभी लास्ट में फरवरी में मैं यूरोप गया था, तो वहाँ तो आपका दिल करता है कि वापस ही ना हो और दिल चाहता है कि आप बार बार जाएं। अच्छा, मैंने एक यूनिक चीज अभी साजिद भाई में देखी। साजिद भाई शहर में कभी मैंने नहीं देखा इनको ड्राइव करते हुए, बैरियर टाउन में इन्होंने ड्राइव मतलब अपनी गाड़ी खुद ले ली कि यार मैं ड्राइव करता हूँ। इनसे वजह पूछते हैं क्यों यार, आखिर क्यों शहरों में क्यों नहीं लेते आप? नहीं शाहजी भाई, मैं शहर में भी चलाता हूँ लेकिन संडे वाले दिन चलाता हूँ, जिस दिन मुस्तफा मेरा जो ड्राइवर है उसकी छुट्टी होती है तो उस दिन मैं चलाता हूँ। आम दिनों में मैं ही चलाता। इसकी वजह एक ये है कि आपको गाड़ी कहीं भी हम पार्क करते हैं तो आपको पता है कराची में सेफ्टी नहीं है, बिल्कुल सही है। जब आपके साथ आपका ड्राइवर होता है तो वो गाड़ी को देख रहा होता, तो सेफ्टी की वजह से मैं नहीं चलाता। मैं चलाता हूँ सिर्फ संडे वाले दिन, जिस दिन मुस्तफा की छुट्टी होती है। मतलब ऐसा कि रोड भी इतने जबरदस्त है ना कि यहाँ आपको ड्राइव करने का एक अलग ही मजा है। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं ना कि शहर में ड्राइव करते हुए आपको खौफ हो? नहीं, कोई खौफ शौफ नहीं है, ड्राइव सब करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि वहाँ पे फिर आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी होती है कि आपको गाड़ी कहाँ पे कैसे पार्क करें, उसकी हिफाजत कैसे करें। चोरी होती है, शीशे चोरी होते हैं, चीजें चोरी होती हैं। अब देखिए मेरा घर आ गया, ये सामने ये हम पहुंच चुके हैं साजिद भाई के घर। अब घर भी रिवील करते हैं, अब घर को भी देखते हैं, लेकिन अभी खाली है तो फिर भी कोई नहीं, हम आपको पूरा दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं, उसके सामने पार्क दिखाते हैं, तो एक जबरदस्त आपको व्यू मिलेगा इंशाल्लाह। मतलब यहाँ बैठ के तो ऐसे ही लग रहा है दुबई की कोई सोसाइटी में आई हूँ। जी जी, बहुत जबरदस्त, 27 पेशेंट 27 है और बहुत जबरदस्त है। और मेरा घर क्योंकि सामने पार्क है, सामने घर है और घर के साथ यदि एक्स्ट्रा लैंड भी है काफी ना, तो आप 6-7 गाड़ियां भी पार्क कर सकते हैं। तो अभी हम आपको घर अंदर से दिखाते हैं। तो ठीक है, हम पहुंच चुके हैं साजिद भाई के घर पे, यहाँ पे इफ्तारी की जो है दावत है हमें,
अब तैयारी में तो बहुत सारा मतलब बहुत टाइम बाकी है अभी, तो हम यहाँ पे बैरियर डन को एक्सप्लोर करते हैं, साजिद भाई के घर को देखते हैं और मतलब आपको दिखा दें बैरियर डन की खूबसूरती। मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं वाकई कोई दुबई शुबई में आ गया। सारे हमारे भाई अपनी अपनी पिक्चर्स लेने में लगे हुए, अवेश भाई अपनी पिक्चर्स लेने में लगे हुए। जी अवेश भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका यहाँ तक का? फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था कि कराची के अंदर भी इतनी अच्छी सोसाइटी, दूसरा कराची मौजूद है जो बिल्कुल एडवांस है, हर चीज एडवांस है। आपको देखे तारे नहीं मिलेंगे यहाँ पर, ऊपर बिजली के तारे, कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, सब अंडरग्राउंड बेहतरीन है सर। देखें ये घर, ये आपका पार्क, ये साजिद भाई के घर में एंटर हो गए। ये है यहाँ पे ये बेडरूम, ये मतलब ये अलमारी वगैरह बनाई हुई है, कबर्ड्स वगैरह, ये वॉशरूम, ये बाहर का डाइनिंग एरिया, डायमेंशंस कितनी है इसकी करीब? ये तकरीबन वैसे तो ये मेरा 317 तो टोटल इसका मतलब लाउंड्री एरिया वगैरह ये सब पूरा मिला के 35 वो है। ओके ओके 235 एक्स्ट्रा लैंड है, आप दूसरी जगह पे ये लैंड नहीं है, आप देखें ठीक है ठीक है, आपको वो नहीं मिलेगा। ऊपर भी दो बेड है, अच्छा ऊपर छत भी ऊपर यार, इतना जबरदस्त कोई व्यू है ना टेरेस से। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है टूर वगैरह पे मतलब टूर करने आया हूँ मैं यहाँ पे। ये देखें आप, अब मैं इसको ना रेनोवेट करूंगा और रेनोवेट करके रखूंगा तो आप फैमिली लेके आ जाएं यहाँ, अपना दो दिन रहें, आप देखें कितना जबरदस्त एनवायरनमेंट। मतलब यही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप घर से निकले, ये आपका पार्क, आपके बच्चे यहाँ घूमेंगे और बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन इसका वो है। बिल्कुल मतलब लोकेशन देखने के लिए दिल्ली गए, हमजा कभी कभी आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्री में भी ऐसी हैं, जो बैरिया बना हुआ है ना ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्री के हिसाब से बना हुआ है, उसी डिजाइन से ये पूरे बिलास है, इस तरह लोग रहते हैं, इस तरह का एक वो है गेटेड कम्युनिटी, बिल्कुल तो यहाँ पे सब सेफ एंड सिक्योर है। ऑस्ट्रेलिया वाले अंकल भाई शलवार कमीज वगैरह पहनाए, मतलब इनको उर्दू थोड़ी थोड़ी सी आती है, ईद मनाने के लिए आया हूँ, 12 तारीख को रिटर्न टिकट है, 11 को ईद हो गया तो 12 तारीख को जाना है। ओके ओके, आपको मतलब वहाँ और यहाँ के एनवायरनमेंट में कोई फर्क लग रहा है? नहीं सेम लग रहा है, तकरीबन सेम ही है। ओके मतलब गेट से पहले जब आ रहे हैं या पूरा कराची से? नहीं कराची से, सिर्फ बैरिया ना, बैरिया। ओके ओके, तो आपका एक्सपीरियंस अब साथ साथ लेते रहेंगे? हाँ बिल्कुल जरूर। जी यहाँ पे कोई पहाड़ वगैरह भी है बैरिया है ना, पहाड़ है ना, अभी हम जाएंगे ना जहाँ पे वो है अपना टावर, कौन सा? एफिल टावर वो पहाड़ी पे तो बना है, पहाड़ है ना, और पहाड़ी पे घर बने हुए माउंटेन हिल्स के नाम से, ये सामने वाले आपको नजर आ जाएगा, अभी दूर है थोड़ा सा नजर नहीं आएगा, वहाँ भी हम चलते हैं, वो हिल्स पे बने हुए हैं, मतलब वहाँ चल के सही दिखाएंगे। हाँ ऑफ कोर्स ठीक दिखेगा वैसे। हाँ बिल्कुल देखें बैरिया की गलियों में घूम रहे हैं, फिर मोहल्ले में साजिद भाई के मोहल्ले में बिल्कुल सन्नाटा, और लोग घरों में, सारे घरों में आप लोग हैं, सब घर आबाद है लेकिन लोग आराम फरमा रहे हैं रोजे की वजह से, क्योंकि सारी फैसिलिटीज घर के अंदर ही मौजूद है, सब मौजूद है कोई आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि आपको अगर आपको सब्जी चाहिए, जो भी कुछ चाहिए ना, तो यहाँ पे आपके घर पे आके आपको अरे देते हैं, सही बात है। आपको एक रोटी भी चाहिए आप कॉल करें, आपके घर पे मिल जाएगी, मतलब सारी सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल है, इम्तियाज स्टोर है यहाँ पे और इसके अलावा बहुत सारे स्टोर्स हैं ये प्रेजेंट 11 में, तो सब फैसिलिटीज आपको यहाँ मिल जाती है।
इसलिए सारे लोग देखे सुकून से यहाँ रह रहे हैं। सुकून है घर के बाहर, ना कोई शोर शराबा, ना कुछ भी नहीं। सबसे बेहतरीन बात यहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है यार, रमजान के महीने में सोच भी नहीं सकते। रमजान में जहाँ हर शहर मतलब जितना सन्नाटे वाला हो वहाँ पे रौनक लगी जाती है, रमजान के महीने में क्या साइज बिल्कुल बिल्कुल हो ही जाता है बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पे रमजान के महीने में बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पानी गंदा होता है, ऐसे बारिश वगैरह का जो पानी आ रहा होता है वो उधर ग्लेशियर का आता है, ग्लेशियर पानी गंदा होता है, लेकिन हमारे साइड में और ये साजिद भाई अपने व्लॉग्स बना रहे हैं। जी बी ट्रेवल उसके नाम से साजिद भाई का चैनल है, आज भी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी भी स्टार्ट किया व्लॉगिंग और ये सब कुछ था, तो इंशाल्लाह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना भूलना। उल्टा हो रहा है ना, सलवार कमीज में घूम रहा है और जहाँ यहाँ पाकिस्तान के एक दो तीन सारों ने पेंट शर्ट पहना। हम आपके साथ घूमे तो आपकी तरह बन के घूमे, आप हमारे साथ घूम रहे हो हमारी तरह बन के। हम तो उधर पेंट शर्ट पहन पहन के थक गए ना पाकिस्तान में आके, हमने ये सलवार कमीज पहनी है। आप स्टूडियो जाते हैं, हम आपको वहाँ पे सलवार कमीज पहन। ओके ओके, हम आएंगे आपके वहाँ पहनेंगे, हम वहाँ के सलवार कमीज पहन के आपको दिखाएंगे। देखिए सलवार कमीज उधर पहन, हमारा कल्चर, हम अभी हमारा कल्चर, हम तो कल्चर को प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तो अपना कल्चर खत्म, यहाँ भी प्रमोट किया, आपको आपको मॉडल बनाया, हम लोग मॉडल से पैसे लेते हैं, क्या चाहिए आपको, आप मशहूर हो रहे हो। इन्फ्लेशन मुल्क का अंदर तबाही। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी एफिल टावर फ्रांस में, फ्रांस में, फ्रांस में हम फ्रांस से आ रहे हैं। बिल्कुल फ्रांस आए हैं, फ्रांस ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है फ्रांस में हम, मतलब यूरोप वाले सीन आ रहे सामने, देखे लिटिल पेरिस लिखा हुआ भी, लिटिल पेरिस यहाँ पे। ये गिलगित वाली वाइफ दे रहा है रोड, गाड़ी है ना। मतलब एक दिन में हमने बैरियर डाउन, कराची, पेरिस तक पहुंच गए भाई। फाइनली हम एफिल टावर में पहुंच चुके हैं और ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है यार साजिद भाई, बिल्कुल मेरे तो ऐसे ही लग रहा था पेरिस आ गए। कलर्स भी वैसे हैं, डिजाइन भी वैसे ही है, लेकिन अब देखते हैं अंदर जाके, नहीं जाने देखते का टाइम है, सारी विंडोज यहाँ पे ये रिस्क हो गया, कोई बात नहीं, हम बार बार से दिखा देंगे, एक ही बात है, एक ही बात है, जाके देखते हैं, बाहर जाके देखते हैं, एफिल टावर तो एफिल टावर बिल्कुल देख लिया हम। फाइनल अवेश भाई के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया भाई व्लॉग बनाने का मेरा भाई, अवेश भाई के अंदर आ गया कॉन्फिडेंस। जी जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आप लोग लाजमी देखिएगा। है भाई खुला है, खुला है, चलो अच्छा पाँच टिकट दिए भाई, फी पर्सन यहाँ पे 200 रुपये फी पर्सन है, तो पांच बंदों के 1000 उन्होंने चार्ज किए, तो आप भी आए तो ये ख्याल जरूर रखें कि आपको यहाँ पे ये पेड है, फी पर्सन ये पेड 200। बच्चों का कितना है सर? दो साल से जो बड़े बच्चे हैं ना उनका टिकट है वही 200 रुपये, दो साल से छोटे बच्चे हैं वो मुफ्त में एफिल टावर के, मतलब मेरे बच्चे मुफ्त में आ सकते। फाइनली देखे हमने टिकट ले लिया है और हम अब आपको एफिल टावर दिखाएंगे। अच्छा मतलब ये निजाम भी स्कैनर से, वाह चेक करके खुले गई, चलो मेरी बारी आ गई, चलो भाई। हमारा छोटा सा गिलगित बल्तिस्तान का टिकटॉकर कह लें, ब्लॉगर, छोटा सा 6 साल का ब्लॉगर
शिराज, उसकी बहन मुस्कान अभी बहुत वायरल है माशाल्लाह, सल्ला उनको और वायरल करे और तरक्की दे। तो उनकी बहन बोलती है ये देखिए ये मैं हूँ, ये भाई है, ये बर्बारी है, बर्बारी है, और ये हम घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आए हैं, ये पेरिया है, ये एफिल टावर है, तो हम एफिल टावर जाएंगे क्योंकि बर्फबारी नहीं है, बर्फबारी नहीं है, बर्फबारी के ख्वाब रखते हैं यहाँ पे कराची वाले, मतलब बर्फबारी देखने के लिए यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं। यहाँ पहाड़ 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 तो है यार, पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ पे। चले एफिल टावर की तरफ हम रवाना दवाएं। और मेरे साथ इतने सारे व्लॉगर्स हैं, ये साजिद भाई अपना व्लॉग बना रहे, ये अवेश भाई अपना व्लॉग बना रहे, और ये हमारे अंग्रेज भाई कुछ भी नहीं बना रहे। आप क्यों कुछ नहीं बना रहे? बना रहा हूँ, शौक नहीं है मुझे, शौक नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं है, मतलब आप हमारी मजे देगा घूमने का शौक, व्लॉग्स बनाने का इतना शौक नहीं है। चले हमारा मोहम्मद शिराज, हमारा मोहम्मद शिराज, अरे ये तो बताया नहीं, मोहम्मद शिराज जो है, मोहम्मद शिराज इनके बहुत करीबी है, भी कहा ना सिकर दोस्त तालुक रखते हैं मोहम्मद शिराज साथ। प्रैंक हो गया, टिकट लिया, जब हम आके लिफ्ट में बैठने लगे तो जो लिफ्ट वाले भाई साहब वो कहेंगे भाई आपको 1000 फी पर्सन आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो हम दोबारा जा रहे हैं, 1000 पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेंगे, फिर वापस आके इसमें बैठेंगे। यस, मतलब साजिद ने ठान लिए ऊपर तक जाना है। 10 मिनट का स्टे होगा बोट तो 10 मिनट स्टे कर लेंगे। हाँ, क्या है टावर पे, क्यों वहाँ पे क्या हाइट फोबिया है, हाइट का मसला है, हाइट फोबिया क्या हो गया यार, इतना थोड़ी यार। फाइनली हमने यहाँ की भी टिकट ले ली, लेकिन टिकट ले लिया, ये टिकट ले लिए 1000 फी पर्सन, लेकिन ये याद रखना बात, ये याद रखना। और दूसरी बात, जिनको हाइट फोबिया है वो सोच समझ के टिकट ले, क्योंकि टिकट लेने के बाद वो रिटर्न नहीं होता है, क्योंकि मुझे खुद भी हाइट फोबिया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। इन साजिद भाई एडवेंचर करेंगे, एडवेंचर करेंगे। चलें अब निकलते लिफ्ट के अंदर जाते, लिफ्ट हमारा वेट कर रही है, तो लिफ्ट में जाके आपसे मिलते ऊपर पहुंच के, पर दुआ करो चक्कर चक्कर ना आए। सबसे पहले टॉप फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ पे आप एंजॉय करें, उसके बाद मिडिल फ्लोर पे, फर्स्ट वी गोइंग टू टॉप फ्लोर, देन डाउन फ्लोर, 5 मिनट टॉप फ्लोर, देन 5 मिनट सेकंड, 10 मिनट टोटल टोटल, बट यू स्पेंड मोर टाइम 15 मिनट, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, एंजॉय, टेक स्विच, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब इतना कोई जबरदस्त माहौल है यहाँ का, इतना कोई जबरदस्त माहौल है, लेकिन हमारे दो भाई हैं साहिद भाई, आज यार आज कोई मसला नहीं है, अरे आज आप नीचे ना देखें ऐसे यार। चले भाई देखते हैं, साहिद भाई बिल्कुल नहीं आ रहे यहाँ पे, अवेश भाई भी आ चुके, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, ऊंचाई पे, तो आपको भी दिखा दें माशाल्लाह, ये एरिया टाउन नजर आता है, ये पूरा का पूरा बैकेट, ये नीचे का सीन है, मतलब इतनी हाइट है ये, तकरीबन 48 फ्लोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट, हाइट इस वजह से भी ज़्यादा है कि ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, एक तो इसकी हाइट है 44 फ्लोर्स के हिसाब से, और जो अपना 3000 कुछ हाइट है पहाड़ की, यहाँ से देखते हैं हवा का फ्लो इतना तेज है यार, यहाँ से नज़र आ रहे थे, और साजिद भाई हमारे लिफ्ट के अंदर ही मौजूद है, लिफ्ट से बाहर नहीं आ रहे साजिद भाई, अंदर ही मौजूद है, आ जाओ। साजिद भाई को हाइट फोबिया तो वो बिल्कुल नहीं आ सकते यहाँ पे, अब हम यहीं से देखते हैं, वो सामने देखें ये क्या चीज़ बनी हुई है यहाँ पे, सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है यार, यहाँ पे इतना कोई बेहतरीन व्यू है, इतना कोई वंडरफुल व्यू है यार, यकीन करो ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया नजर आ रही है यहाँ से सामने से, देखें पूरी दुनिया ऐसा लग रहा है नज़र आ रही है सामने, बिल्कुल सीधा 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 एंड तक, जहाँ तक नज़रें जा रही है वहाँ तक कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है।
यानी बीच में डैम बन रहा है यहाँ का बैरिया टाउन का। चलो भाई हमारे भाई हमें बुला रहे हैं, चलते हैं उनके पास दोबारा से ऊपर की तरफ। सजीद भाई कैसा लगा ऊपर जाके? सर बहुत मजा आया, लेकिन आपको पता कि मुझे हाइट फोबिया है। अच्छा और भी नीचे है, ये भी है, तीन स्टेप्स हैं ना। ओके सेकंड और टॉप, डायरेक्ट टॉप पे गए थे फिर वापस सेकंड पे आए, थोड़ा कंफर्ट था। ये तो खैर नॉर्मल ही है, तो जिनको हाइट हो गया बाबा सोच के आना। बहुत ज़्यादा सोच के आना भाई, क्योंकि ऊपर हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, आप उड़ भी सकते हैं। तो मेरे जैसा हल्का बंदा को वो उड़ जाएगा। अभी भाई ने पकड़ के रखा था मुझे। यार यहाँ से एफिल टावर से हम हो चुके हैं, यहाँ से हम निकलते हैं अफ्तारी की तरफ, क्योंकि अफ्तारी में टाइम बहुत कम है। तो चले अफ्तार पे आपसे मिलते हैं, ठीक है? ये भाई साहब हमारी इफ्तारी की लोकेशन है और इतना प्यारा व्यू सनसेट का, माशाल्लाह। सईद भाई आप सनसेट दिखा रहे थे, आप दिखाएं जबरदस्त। अच्छा उसी बात जो हमारे जो रेस्टोरेंट है डांसिंग फाउंटेन का, अलहमदान रेस्टोरेंट के, जो मेरे दोस्त जो अभी व्लॉग में हमने बात की थी कि वो भी आ चुके हैं हमारे साथ। हाँ। तो आप कभी भी एरिया आए तो जरूर जरूर आप यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन में अलहमदान रेस्टोरेंट में आप जरूर यहाँ के खाने खाए। हमने तो यहाँ पे ऑर्डर किया भाई, हमने तो लेटर्स का ऑर्डर किया और बहुत जबरदस्त है और बहुत सस्ता भी। 6% वाला देखें, 6% सिर्फ 7000 में आप यहाँ मजे ले सकते हैं। इसमें है क्या क्या? इसमें तो बहुत चीजें हैं यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तकरीबन कोई 12 आइटम है। तो आप ये तो आपको शहर में भी नहीं मिलेगा भाई, इतना कम उसमें। तो कभी भी और माहौल देखें आप, लोकेशन सबसे बेस्ट है। लोकेशन के पैसे हैं भाई, खाने के नहीं है। लोकेशन बड़ी जबरदस्त है, इसे देखें। अगर आप स्पेशली संडे को आएंगे तो मेरे ख्याल यहाँ बहुत रश होगा, क्योंकि संडे को ये डांसिंग फाउंटेन सनी भाई ऑन होता होगा ना? संडे को ऑन होता है सर, ये 7:30 से 9:30 की इसकी टाइमिंग्स है। सही। और उसके अलावा अभी जैसे रमजान चल रहा है तो रमजान में इसके जो टाइमिंग्स है वो 8 to 10 PM और आफ्टर रमजान 7:30 से 9:30 बजे तक की इसकी टाइमिंग। जबरदस्त है, फिर आप यहाँ खाना भी खाएं और साथ इसको भी इंजॉय करें माहौल। अगर इस टाइम आएंगे तो सनसेट भी इंजॉय करें। ये देखें सनसेट, हाँ बेहतरीन यार सनसेट है ना भाई साहब। तो अभी अफ्तारी की जो हमारी लोकेशन है वो ये है, अलहमदान रेस्टोरेंट। ये हमारी टीम यहाँ बैठ चुकी है, अब हम अफ्तारी का वेट कर रहे हैं। टाइम होने में बिल्कुल 1 से 2 मिनट रहते हैं, सनसेट बिल्कुल एंड पे हो चुका है। ये हमारी अफ्तारी आ चुकी है, अब अफ्तारी कर रहे हैं। साजिद भाई हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ ही बैठे हैं, सब अफ्तारी कर रहे हैं। अफ्तारी भी बड़ी अच्छी लोकेशन पर, अफ्तारी का मज़ा देखो, अफ्तारी देखते हुए सामने लोकेशन देखें। हम खाना भी खाएंगे, खाना भी खाएंगे, इसके खाना भी खाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे क्या क्या आता है। तो ये केचप ले लेते हैं भाई, ठीक है बस भाई, आप भी अफ्तारी करो यार, कैमरा नहीं पकड़ो ज़्यादा। भाई साहब अफ्तारी हमने कर ली, अफ्तारी से फारिग होने के बाद, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद अब आया है हमारा खाना। वो इतना खूबसूरत, मतलब वो उन्होंने जो है देखे आप, बस सर मुंह में वैसे वो हो रहा है, अजीब अजीब हो रहा है कि बिल्कुल के बस अब ना खाएं, अब बस कोई बात ही ना करें, कोई बात ना करें भाई, भूख ज्यादा लग रही है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग खाना। चले भाई हम स्टार्ट करते हैं। ओ ले ले यार, खाना शन हमने खा लिया और इतना मजे का खाना इनका था, इतना मजे का खाना था। चले बाकी भाइयों से पूछते हैं कैसा लगा। बहुत जबरदस्त था और गुड क्वालिटी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतना अच्छा। ये देखें भाई, ये सारा खाना हम खत्म कर चुके हैं, ये दोनों करते हैं, सारा काम हम खत्म कर चुके हैं और मुस्तफा भाई अभी तक लगे हुए। भाई मुस्तफा भाई उठ नहीं गया, ये देखो हड्डियां हैं सारी, सबसे ज्यादा हड्डियां मुस्तफा भाई की। मूड नहीं था मतलब मूड नहीं था नहीं मूड नहीं था बिल्कुल नहीं था जायके से जो है ना मूड बन गया।
नहीं मूड नहीं था तो इतना खाया, मूड नहीं था तो इतना खाया, बताओ यार देख के आप बता सकते नहीं खाया खाया कितना खाया इसने जी साजिद भाई सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरीन खाना था मजा आया बहुत अच्छा लगा आप रिकमेंड करते लोग यहां पर बिल्कुल सर मेरा मैं तो मेरा ये नहीं कि मेरा दोस्त है लेकिन खाना आपने भी खाया तो बड़ा जबरदस्त था खाना तो लोगों को मैं कहूंगा कि जब आप बहरी आए तो डांसिंग फाउंटेन के साथ साथ अल हमदान रेस्टोरेंट को मत भूलिएगा यहाँ पे आप आके खाना खाएं और एंजॉय करें जी बिल्कुल मेरा भी ओपिनियन है मेरा भी यही मशवरा है कि आप लोग यहाँ पर जब भी आए तो इस रेस्टोरेंट ये नाम इसका ये रेस्टोरेंट है और ये बिल्कुल डांसिंग फाउंटेन के बिल्कुल सामने ये और ये सामने इतनी अच्छी अच्छी इनकी स्ट्रेट्स लगी हुई अगर हमें कॉर्निवल में जाने दिए क्योंकि हमारे साथ फैमिली नहीं है हम लोग आपको पता बगैर फैमिली के हैं तो बगैर फैमिली के शायद जाने दें कोशिश करेंगे ट्राई करेंगे कोशिश करेंगे जाने की अब यहाँ से थोड़ा वॉक करते हैं क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा खाली है थोड़ी सी वॉक करते हैं थोड़ा हजम करते हैं फिर गाड़ी में बैठ के निकलते हैं दोबारा सारी चीज़ें हैं हम आपको चाय पिलाएंगे मिड वे पे ले आके सही है जहाँ पे हमारा एक मेरा एक शोरूम भी है सही है तो वो भी हम देख लेंगे उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर हम शहर की तरफ जाएंगे दुबई से हम कराची जाएंगे सही है देख रहे हैं किसी हल्के बंदे के साथ नहीं है बंदे का शोरूम भी है भाई साहब शोरूम मेरा इन द सेंस है कि कोई कारों का नहीं है भाई हमारा शोरूम यहाँ पे जो शॉप्स होते हैं ना वो शोरूम कहलाते हैं ओके लेकिन अभी ओके गलत गलत इन फ्यूचर उसमें हम शोरूम या हम पिज्जा पिज्जा खोलेंगे पिज्जा रेस्टोरेंट फास्ट फूड वगैरह ओके ओके चले भाई अब हम गाड़ी में बैठते हैं निकलते हैं नींद तो नहीं आ रही आपको नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है यार सर मैंने सुना है इफ्तारी के बाद नींद आ रही होती है ना बस वो खाने वाले पे डिपेंड करता है कितना खाता है मैं ये तो आ रही आपको आ रही है आपने शायद रोजा ज्यादा लग रहा होगा और मस्त हो भाई आपको तो नहीं आ रही नींद नहीं मुझे नहीं आती मुझे तो सैरी करने के बाद नींद बहुत ज्यादा आती है सैरी करने के बाद तो बस आएगी ना यार वो तो टाइम ही नींद का ऑफिस के लिए तो चलें भाई अब हम यहाँ से घर की तरफ निकलते हैं बहुत ज़्यादा बहरिया टाउन आज घूमा है हमने मतलब पूरा का पूरा बहरिया टाउन हमने आज एक ही दिन में घूम लिया है बहुत सारी चीज़ें देखी है इसमें आपसे और भी चीज़ें शेयर करेंगे आते रहेंगे यहाँ पे दोबारा से चलें अब निकलते हैं घर की तरफ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अल्लाह हाफ़िज़